ठीक है। राम राम भाई, दम मैकेनिकर में आपको स्वागत है। मैं मुकेश चंद्रगोड़, नोएडा भारत से, और आज बात करने वाले हैं स्विफ्ट डीजल इंजन टाइमिंग के बारे में। तो टाइमिंग हेड का और क्रैंक का दोनों टाइमिंग दिखावेंगे। नीचे से तो फ्लाईव्हील लॉक होती है क्रैंक की, वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ऊपर की केम की लॉकिंग कैसे होती है उसको समझ लीजिए। और मार्केट में बतेरा टूल आपने देखे होंगे, पर वो टूल सक्सेस होते नहीं है, क्योंकि उस टूल में इतनी प्ले होती है कि हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि कैसे टाइमिंग करें। पास में आ जाओ, ये देख लो टूल। पहले ये मैंने बोल्ट से देसी टूल बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। ये कैसे खराद से इसको कटिंग करवा दिया, इसको कटिंग करवा दिया, ये चूड़ी ले लिया, ये बोल्ट ले लिया, ठीक है। ये बोल्ट का मैंने कटिंग करके करवा लिया। अभी होता क्या है ये देखिए, ये ऑलरेडी इतना काम हो चुका है तीन तीन बार इसका कि यहाँ इसका दशा खराब हो चुका है। ये कट देख रहे हैं ना, ये इस कट में ये आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। ये देखो, ये थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ये देखो, बिल्कुल थोड़ा सा भी ऐसे बैठ जाए तो मतलब नहीं है, थोड़ा प्ले हो जाए। और सेम कंडीशन वही इधर भी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि ये इसको घुमा देना है उल्टी साइड में। ये देखो, यहाँ सेंटर में लिया, सेंटर में आ गया। अभी इस बोल्ट को यहाँ दिखाओ, ऊपर की तरफ दिखा लो। अब मैं यहाँ दिखाओ, यहाँ ठीक है। ये अब इसको मैं कसने लगूंगा। ये देखो, ये थोड़ा सा भी इसको मतलब जराक सा भी प्ले नहीं चाहिए इसको। ये देख रहे हो कितना बहुत माइनर प्ले में चल रहा है ये हमने हाथ से कस दिया, बिल्कुल ये फिक्स हो गया। अब सेम टू सेम यही टूल इधर यूज कर लेंगे हम। तो ये होता है ओरिजिनल टाइमिंग, बोले तो 0:0। अब चाहे कंप्यूटर से मिला लो, और एक वीडियो और देख लेना यार, अभी VW का मैंने एक टाइमिंग का दिया है, ठीक है। ये टाइमिंग हो गई बिल्कुल 0:0 लॉक, ठीक है। ये भी लॉक हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। ये दोनों लॉक हो गई। अब हम उसको फिट करते हैं, फिर दिखाते हैं। कट कर दो, ये देख सकते हैं एलंकी मैंने लॉक कर रखा है, ठीक है। हाँ साबस, बस वो ठीक है। अब आ जाओ आगे से, अब टाइमिंग कसते हैं इसका। और यहाँ से तो लॉक ही हो गया दोनों, ठीक है। अब टाइमिंग चेंज चढ़ा देंगे, उल्टी टाइट कर देंगे, बस यही टाइमिंग है भाई, कोई खास टाइमिंग है नहीं। तो अभी हमने टाइमिंग कर दी कंप्लीट। अब बोले तो कंप्लीट का क्या है कि ये देखो जरा, ये डायरेक्ट है, आप देख सकते हैं, देख रहे हो नहीं, ये फ्री है। ये देखो, ये गरारी में कोई वैसा लॉक पोक तो होता नहीं है, फ्री इस पॉकेट है, क्रैंक शाफ्ट इस पॉकेट टाइमिंग, और ये है केम शाफ्ट इस पॉकेट, ये भी फ्री रहता है और ये भी फ्री रहता है। हमने फिलहाल इसको टाइट कर रखा है, टाइमिंग मिलाने के बाद इसको टाइट करा जाता है। आप जब भी ये लॉक कर लें, ये वाला लॉक कर लें, 5 KL की गियर में से लॉक कर लें, तभी इसके चैन को चढ़ावें। और उसके बाद से फिर इसे जो देख रहे हैं ना एडजस्टर, अब हमने चैन चढ़ा दिया, बिल्कुल प्रॉपर हो गया, ये फ्री है। अब इसको खींच देंगे। अब अभी बोल्ट निकालेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्लियर हो जाए। अभी ये बोल्ट निकालेंगे नहीं, ना ही एलंकी निकालेंगे गियर के तरफ जो लॉक कर रखी है। पहले प्लेट लगाएंगे इसके बोल्ट के, ये वाला जो पुल्ली है मेन पुल्ली, उसको टाइट करके ये बोल्ट टाइट कर लेंगे, फुल टाइट कर लेंगे इसे, तब जाके सारे लॉक निकालेंगे। यही है ओरिजिनल टाइमिंग, और कुछ नहीं है। टाइमिंग पाइमिंग इसमें कोई मार्का सरका तो होता नहीं है, जानते ही हो। सारे बोल्ट चेक कर लेंगे, ये कवर लगा के टाइट कर लेंगे मेन पुल्ली, टाइट करने के बाद से ही एलंकी का बोल्ट सारे निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा मैकेनिकर का, सब कुछ ओके कर दी, गाड़ी स्टार्ट करो अब।